सर्वेशम नमो नमः। स्वागत है आपका बांसुर पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासों में। आज हम बीए थर्ड संस्कृत साहित्य के पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हमने शुरू किया है व्याख्या का पार्ट। आज हम व्याख्या के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे सिलेबस में दर्शन एवं व्याकरण है फर्स्ट पेपर में, जिसमें आज हम गीता नामक जो बुक है उसकी व्याख्याओं की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं व्याख्या के पार्ट पर। पहली व्याख्या है, ना अस्तो विदते भावो न अभावो विदते सत्तत्व उभयोर अपि दृष्टोर अंतस्त तवयो उभयोर वत दर्शी भी। ये जो व्याख्या है ये हमारे गीता के द्वितीय अध्याय से ली गई है। देखिए, व्याख्या करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम जो हम व्याख्या कर रहे हैं उसका संकेत डालेंगे। संकेत डालने के बाद सबसे पहला जो पद्य पाठ की व्याख्या का होता है वो होता है अन्वय। अन्वय का पाठ सबसे पहला बिंदु होता है। अन्वय में क्या करते हैं, पद्य को छंद से रहित करके और उसका गद्यांश बना दिया जाता है। जितनी क्रियाएं पद्य में विद्यमान होती हैं उतने हम वाक्य निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो श्लोक है श्लोक एक छंदबद्ध रचना है और नीचे अन्वय में इसका गद्यांश बना दिया गया है। तो जो अन्वय है वो देखते हैं एक बार। असत भाव न विद्यते, तू संत अभाव न विद्यते, अन्यो उभयोर अंतः तत्वदर्शी भी दृष्टः। ये हो गया इसका अन्वय। अब देखिए, हमने यहाँ से असत जो शब्द है यहाँ से न छोड़ दिया है और यहाँ से असत ले लिया है। इसके बाद ये जो भाव है यहाँ से भाव शब्द लिया है और ये जो न हमने पहले छोड़ा था ये न लिया है और विदते यहाँ से लिया गया है। तो इस प्रकार से जैसे ही क्रिया आ जाती है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप हिंदी बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे इन पदों को उठा उठा करके यहाँ रख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, असत का अभाव नहीं है, इसका हिंदी अर्थ लिया है एक पद का, असत का भाव नहीं है। अब असत शब्द अपने यहाँ से था तो असत हमने उठाया, दूसरा असत का भाव, भाव हमने यहाँ से ले लिया, फिर नहीं है, नहीं के लिए हमने यहाँ से न ले लिया और है के लिए विद धातु सत्ता के अर्थ में यहाँ से उठा ली। फिर आगे इसका हिंदी अर्थ है सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं है। पहला कह रहा है कि असत का तो भाव नहीं है और सत का भी अभाव नहीं है, तो हमने यहाँ से सत ले लिया है और इसके बाद अभाव पद यहाँ दिया गया है यहाँ से लिया है और न विद्यते क्रिया आते ही फुल स्टॉप लगा देंगे। इन दोनों को अपने अंतःकरण से तत्ववेता देख लेते हैं। अब यहाँ से दोनों के लिए हमने इन दोनों के लिए अन्यो यहाँ से उठाया है, इन दोनों की संस्कृत है, उभयो पद यहाँ रखा हुआ है, अंतः पद यहाँ रखा हुआ है और ये तत्व हो गया और ये दर्शी भी और दृष्ट पद यहाँ से लिया गया। तो अन्वय करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इस श्लोक की हिंदी बोलते जाइए और हिंदी के जैसे जैसे क्रम से शब्द आते हैं वैसे वैसे इस श्लोक में से शब्दों को उठा उठा करके हम रखते जाएंगे, जहाँ क्रिया आ जाती है वहाँ फुल स्टॉप लगाते चलेंगे। ये हो गया अपना अन्वय।
अब अन्वय के बाद कौन सी स्टेप आएगी, आगे चलते हैं। अन्वय के बाद आता है हमारा प्रसंग। देखिए प्रसंग में परिचय देना है, ये जो श्लोक आया है व्याख्या में ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो हमारा श्लोक है ये कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित गीता से लिया गया है। तो सबसे पहला तो क्या देंगे इसमें परिचय कि इसके लेखक कौन हैं। महर्षि वेदव्यास हैं और वेदव्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, महाभारत। तो वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के, हमारी जो गीता है ये भीष्म पर्व में आती है तो महाभारत के भीष्म पर्व से उद्गृत है। अब भीष्म पर्व में गीता है तो गीता के कौन से अध्याय से लिया गया है, यह है गीता के द्वितीय अध्याय से लिया गया है। तो ये हो गया इसका प्रसंग। एक बार फिर से सुन लीजिए, लेखक कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास लिख दो या फिर महर्षि वेदव्यास, ग्रंथ कौन सा है महाभारत, महाभारत का भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में जो गीता है उसके द्वितीय अध्याय से लिया गया है। ये हो गया हमारा प्रसंग। अब हम बात करते हैं तो देखिए प्रसंग में लिखते हैं इस श्लोक का परिचय, परिचय देते हैं इसमें, ये इस श्लोक कहाँ से आया है। अब बात करते हैं संदर्भ की, तो संदर्भ में क्या देना है, पूरे श्लोक को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसका सार जो होता है वो एक वाक्य में या दो वाक्यों में यहाँ रखना है। तो हमने अभी श्लोक पीछे पढ़ा था, श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि असत का तो भाव नहीं है इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जो असत है उसका कोई भाव नहीं है और सत का भाव नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन कि यहाँ सत और यहाँ सत की विद्यमानता का परिचय देते हुए कहा गया है कि, यानी सत की महत्ता को स्थापित किया गया है। तो ये हो गया इसका संदर्भ। संदर्भ में लिखते हैं विषय, विषय क्या है जो हमारा श्लोक परीक्षा में आएगा, वो किस विषय में आया है, क्या हमें संदेश देना चाहता है, ये लिखेंगे हम संदर्भ में। उसके बाद हम शुरू करेंगे व्याख्या। तो देखिए व्याख्या जो होती है वो हम अन्वय से शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, अन्वय से। एक बार फिर से हम अन्वय पे चलते हैं और अन्वय भी हमने देखा था ये वाला। अब हम इस श्लोक को भूल जाएंगे व्याख्या करते समय और अन्वय पे ध्यान देंगे। तो असत भाव न विद्यते, असत का भाव नहीं है। तो ये जो हमारा श्लोक है इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उपदेश देते हैं गीता का, और उपदेश देते हुए क्या कहते हैं, जैसे ही श्री कृष्ण सारथी बनकर के अर्जुन को युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में कौरव सेना के सामने ले जाके स्थित करते हैं, तो सामने जैसे ही अर्जुन की दृष्टि पड़ती है तो वहाँ अपने ही परिवार के लोग खड़े थे। तो ये देख करके अर्जुन के हाथ से बाण छूट जाता है, तीर कमान नीचे गिर जाता है और बैठ करके चिंतन करने लग जाता है, सोच में पड़ जाता है। तो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वो गीता का उपदेश कहलाया। अब उपदेश देते हुए उसने कर्मयोग की यहाँ शिक्षा दी है कि देखो असत्य इस दुनिया में है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और सत का इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अभाव नहीं है। और ये दोनों बातें अनियो उभयोर अंत तत्वदर्शी भी दृष्टः, इन दोनों ही बातों को हे अर्जुन, जो तत्ववेता होता है, जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, वो अपने अंतःकरण से ही देख लेता है, अपनी आत्मा से उनका अनुभूत या अनुभव कर लेता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में असत का भाव नहीं है, अर्थात असत इस दुनिया में है ही नहीं, और सत का अभाव नहीं है, अर्थात सत हमेशा विद्यमान होता है, और सत और अशुद्ध असत की ये जो दो बातें बताई गई हैं ये तत्ववेता आत्मदर्शी लोग
या आत्मज्ञान को जानने वाले लोग अपने अंतःकरण से देख लिया करते हैं। तो ये था अपना पहला श्लोक जिसकी हमने व्याख्या की। इसके बाद का जो पार्ट है हम चलेंगे, हमने प्रसंग देख लिया है और प्रसंग के बाद अब हम व्याख्या कर चुके हैं, संदर्भ भी कर चुके हैं। अब चलेंगे अपन व्याकरणात्मक टिप्पणी के ऊपर। देखो व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या करना है अपने को, सबसे पहले हम जो व्याख्या करते हैं व्याख्या में जो जो पद हमने नए बनाए हैं उन पदों को यहाँ निकाल करके रखना है, और उन पदों में क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ लगाई है। जैसे मान लो अपन कोई एक पद लेते हैं, विद पद ले लेते हैं, विदते, विदते शब्द हमने व्याख्या में प्रयोग किया है, तो इसके बराबर करके अब इसमें लिखेंगे विद, तो इसमें धातु है, विद धातु हो गई जिसका अर्थ होता है विद्यमानता, और इसमें लट लकार है, आत्मनेपदी की धातु है, प्रथम पुरुष है और एक वचन का रूप है। ऐसे हम कम से कम तीन पद, ये एक पद लिखा है हमने यहाँ, ऐसे तीन पद निकाल निकाल करके और हम व्याख्या में, व्याख्या के अंत में व्याकरणात्मक टिप्पणी में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट व्याख्या पे। नेक्स्ट व्याख्या है हमारी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्य अहम्। ये श्लोक काफ़ी आपने सुना भी है। अब इसमें आप एक छंद का भी हवाला दे सकते हैं, और छंद कैसे गिनते हैं, देखिए एक जो लाइन होती है श्लोक की उसमें दो चरण होते हैं, पूरे श्लोक में चार चरण होते हैं, तो आप एक चरण की के जो अक्षर हैं उनको गिन लीजिए। दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह, यानी दो चरणों में सोलह यहाँ वर्ण विद्यमान है, तो चार में हो गए बत्तीस, यानी कि एक पद में ये यहाँ, यहाँ से अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक पद में आठ वर्ण हो गए। अब आठ वर्ण जिस चरण में, जिस छंद के चरण में होते हैं उसमें अनुष्टुप छंद होता है, तो इसका गे की जो लय होगी वो होगी यदा यदा ही धर्मश्यः ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मश्यः तदात्मनम सर्जाम्यहम्। तो ये अपना अनुष्टुप छंद हो गया जिसको हम व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद विशेष में डाल सकते हैं। अब देखिए एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, संकेत जो होता है हम यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि परीक्षा में जब दो व्याख्याएं करवाता है तो चार व्याख्याएं दी हुई होती हैं, और एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए कि हम उन चार में से दो व्याख्याएं कौन सी कर रहे हैं। उसके लिए हमें व्याख्या में से थोड़ा सा पार्ट उठा करके संकेत देना है। जैसे शुरू के दो पद उठा लिए, यदा यदा, ये उठा करके फिर डॉट 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 लगा दीजिए, और उसके बाद अंत में ये लास्ट का पद लिख दीजिए सृजाम्य अहम्। ये हो गया अपना संकेत। इससे एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि विद्यार्थी कौन सी जो व्याख्या है उसको परीक्षा में, पेपर में हल कर रहा है। तो पहला स्टेप हो गया अपना, स्टेप नंबर एक संकेत। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है अपना अन्वय। देखिए अन्वय जो है हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसलिए अब अधिक समय नहीं लेंगे। हे भारत, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति यदा ही अहम् आत्मनम् सृजामि। मैंने बताया था आपको कि हिंदी बोलते जाना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, तो इसकी हिंदी होती है हे अर्जुन, हे भारत या हे अर्जुन, जब जब भी इस संसार में धर्म की हानि होती है, धर्म का नाश होता है, तब तब मैं अपने आप को अवतार के रूप में प्रकट करता हूँ। तो पहला शब्द था हे अर्जुन, तो हमने अनुवाद में लिखा यहाँ हे भारत, जब जब
हमारे श्लोक में यदा यदा पथ्य धर्म की, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, धर्मस्य उठा लिया हमने श्लोक में से, हानि होती है, हानि का शब्द यहाँ ग्लानी है और होना भू धातु सत्तार्थ में भवति। इस प्रकार से क्रिया आते ही हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये था अपना अन्वय। अब चर्चा करते हैं अपन प्रसंग की। अब प्रसंग में वही है, गीता का ही श्लोक है जो पिछले हमने जो श्लोक में प्रसंग लिखा था वही श्लोक प्रसंग इसका रहेगा। यह श्लोक श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, भीष्म पर्व से उद्गृत है, जो गीता के द्वितीय अध्याय से संकलित किया गया है। ये हो गया अपना प्रसंग। अब प्रसंग के बाद जो अगले अपने स्टेप आती है वो आती है संदर्भ। अब हम चर्चा करते हैं संदर्भ की। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अवतार के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि, यानी कि भगवान श्री कृष्ण अधर्म का विनाश करने के लिए अपने आप को अवतार के रूप में प्रकट करते हैं, उसके विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। तो इसमें हम विषय लिख देंगे, अवतार के विषय में वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारा पार्ट आता है व्याख्या का। युद्ध भूमि में सारथी के रूप में स्थित अर्जुन श्री कृष्ण को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, जब जब भी इस पृथ्वी पर, जब जब भी इस लोक पर धर्म का हंस होता है, धर्म का विनाश होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब हे अर्जुन, मैं अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ या अपना अवतार के रूप में, स्वयं को अवतार के रूप में प्रकट करता हूँ। ये हो गई इसकी व्याख्या। व्याकरणात्मक टिप्पणी वही करेंगे अपन, व्याकरण के पद यहाँ उठा लेंगे और पद उठा करके हम यहाँ उनका पद विच्छेद कर देंगे। ध्यान रहे, व्याकरणात्मक टिप्पणी में कोई प्रत्यय का शब्द हो, प्रत्यय का शब्द के बाद कोई सामासिक पद हो, सामासिक पद के बाद फिर अपन चलेंगे लकार के ऊपर, और अगर ये पद भी आप नहीं छांट पा रहे हैं तो फिर आप इसके बाद संधि वगैरह के पद ले सकते हैं। तो ये थी अपनी दूसरी व्याख्या। तो गीता का जो पार्ट है उसमें से दो व्याख्याएं हमें हमारे पेपर में आती हैं। ये दो व्याख्याएं मैंने आपको यहाँ विस्तार पूर्वक समझाई है। अब आगे चलते हैं। गीता में से एक क्वेश्चन आता है और वो जो क्वेश्चन है जो इस पेपर का, उसमें आया है गीता के अनुसार ज्ञान योग की व्याख्या कीजिए। सॉरी, ये ज्ञान योग नहीं है, कर्म योग है। ये कर्म योग, तो गीता के अनुसार कर्म योग की व्याख्या। अब कर्म योग क्या है, ये निबंधनात्मक क्वेश्चन है, 6 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें हम विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। जो हमारे द्वितीय अध्याय का सार है कर्म योग का, वो हमें शॉर्ट रूप में यहाँ लिखना है। तो सबसे बात पहले बात करते हैं कि कर्म योग क्या है। इसमें दो पद हैं, पहला पद है कर्म और दूसरा है योग। कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो आसक्ति से युक्त किया गया कर्म और एक अनासक्ति से, यानी कि एक तो स्वार्थ भावना से किया गया कर्म और एक परार्थ। तो आसक्ति से रहित जो कर्म होता है वो निकृष्ट कर्म माना गया है, और आसक्ति से रहित, आसक्ति कहा जाता है जो माया मोह से लिप्त होता है, जो स्वार्थ से युक्त होता है, वह कर्म आसक्ति से युक्त कहलाता है, और जो स्वार्थ या आसक्ति से रहित होता है वो परार्थ कर्म कहलाता है, अर्थात वो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। दूसरा पद है इसमें योग। योग किसे कहते हैं, देखिए योग का मतलब वही है जैसे अपन गणित में योग ऐसा निशान देखते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग जोड़ करते हैं, एक जगह मिलाते हैं।
ऐसे ही अपन बात करें तो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, कुल मिला के ये 11 होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये जो 11 तत्व हमारे शरीर में होते हैं, ये अलग अलग प्रकार से बिखरे हुए होते हैं। ये अपने अपने विषयों को अलग अलग प्रकार से ग्रहण करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानेंद्रियों की। ज्ञानेंद्रियों को मैं, जैसे अपन आँख की बात करें तो आँख का जो विषय होता है वो होता है रूप को देखना। नासिका होती है, उसका विषय होता है गंध को ग्रहण करना। जिह्वा का विषय होता है रस को ग्रहण करना। इसी प्रकार से जो हमारा कर्ण है, कान जिसको बोलते हैं, उसका जो विषय होता है वो होता है शब्द को ग्रहण करना। और जो हमारी त्वचा होती है उसका विषय होता है स्पर्श। तो ऐसे ही हमारी जो कर्मेंद्रियाँ होती हैं उनके भी अलग अलग विषय होते हैं, जैसे हाथ का ग्रहण करना, पैर का गमन करना, जिह्वा का वाणी या शब्द, और जो पायु और उपस्थ होते हैं, जननांग और मलद्वार, उनका मलद्वार का होता है उत्सर्जन करना, और जो पायु होता है, सॉरी उपस्थ होता है, उसका होता है आमोद प्रमोद। ऐसे ही ये सारी जो इंद्रियां होती हैं, हमारी 11 इंद्रियां, ये अपने अपने विषयों में रत रहती है। अगर इनको योगी सभी को एक जगह बांध करके अपने आत्मा में समाहित कर लेता है, अर्थात अंत तत्व में इनको लीन कर लेता है, उसी को यहाँ योग कहा गया है। तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कर्म योग क्या है। यानी योग तो अभी समझ ही गए आप, इंद्रियों को वश में करके और आत्मवत आत्मा में स्थित हो जाना, अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मा में स्थित होना ही उस योगी का योग कहलाता है। और कर्म मैंने आपको बताया, तो आसक्ति से युक्त और आसक्ति से रहित। तो आसक्ति से जो रहित कर्म है उस श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है। तो ये था अपना कर्म योग। अब इनके बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं आगे अपन। पहला बिंदु है प्राणियों के द्वारा निरंतर कर्म करना चाहिए या करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, युद्ध कीजिए। एक योद्धा का युद्ध भूमि में इस प्रकार से पीठ दिखाना शोभा नहीं देता है। क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध के मैदान में युद्ध करे। तो अर्जुन फिर भी युद्ध के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसको कर्म का उपदेश देते हैं श्री कृष्ण जी। और वहाँ कहते हैं कि प्राणियों के द्वारा निरंतर क्या करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों को छोड़ देता है तो वह कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करता। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा है कि उदर पूर्ति के लिए भी मनुष्य को बिना कर्म के सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मुझे तो सिर्फ अपना उदर पूर्ति के लिए ही कार्य करना है, तो भी उसको कर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। और आपको तो यश प्राप्ति करनी है, तो हे अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा इसमें कहा है आसक्ति से रहित होकर के कर्म करना। अभी हमने कर्म दो प्रकार के पढ़े थे, एक तो आसक्ति से युक्त और एक आसक्ति से रहित। तो आसक्ति से रहित कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। यानी माया मोह से रहित जो कर्म होता है, बिना किसी स्वार्थ भावना के जो कर्म किया जाता है, उसको आसक्ति से रहित कर्म कहा जाता है। तो श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध के लिए कहते हैं, तो अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे सखा हैं, लेकिन आप ही बताइए, मैं सामने मेरे पूज्य दादाजी भीष्म पितामह पर किस प्रकार से बाण चलाऊं, और उन्हीं के पास खड़े हैं पूज्य गुरुवर, तो बताइए, आप ही बताइए, मैं जिन गुरु से मैंने शिक्षा प्राप्त ली है, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि पूज्य जन सामने खड़े हैं, मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, माया मोह को त्याग दीजिए। पता नहीं कितने बार जन्म लेकर के मैं तुम्हारा पिता हो चुका और आप मेरे पिता हो चुके। कहने का तात्पर्य ये है कि हम बार बार पैदा होते हैं और अंत हो जाता है, पैदा होते हैं और अंत हो जाता है। ये जो आत्मा है, ये बार बार जन्म लेती है। जिस प्रकार से एक मनुष्य
वस्त्र पुराने हो जाने पर अपने वस्त्रों को बदल लेता है, अर्थात नए वस्त्र धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से ही अर्जुन, ये जो हमारी आत्मा है ये भी जीर्ण शीर्ण या पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो इस आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता। जो आप माया मोह में फंसे हुए हो कि दादा पे और दादाजी पे और गुरु पे कैसे मैं बाण चलाऊं, ये तो मेरे लिए पूज्य हैं, तो इसका संदेह दूर करने के लिए अर्जुन से कहते हैं कि आप आसक्ति में डूबे हुए हो, माया मोह में डूबे हुए हो, माया मोह से दूर हो जाओ, क्योंकि आप कौन होते हो जो कि भीष्म पितामह है या फिर कहें गुरु द्रोणाचार्यों को मारने वाले, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर दो प्रकार के बताए गए हैं दर्शन में, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर आत्म तत्व को कहा गया है जो कभी मरता नहीं है, और स्थूल शरीर भौतिक शरीर कहलाता है जो भौतिक तत्वों से मिलकर बनता है, वो नष्ट होता रहता है और नया बनता रहता है। तो अर्जुन से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है। इसको न पानी गीला कर सकता है, न इसको हथियार से काट सकते हैं, न इसको अग्नि जला सकती है, और न ही इसको हवा शुष्क बना सकती है, अर्थात इसको कभी भी मारा नहीं जा सकता। आत्मा अजर और अमर है। इसलिए हे अर्जुन, आप इस मोह को त्याग दीजिए कि मैं किस पे बाण चला रहा हूँ। इस समय आप युद्ध क्षेत्र में हैं और एक योद्धा का कर्म यहाँ है, एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। तीसरे बिंदु पे चलते हैं, यज्ञ का महत्व। देखिए श्री कृष्ण जी ने इस कर्म योग में यज्ञ का महत्व प्रतिपादन किया है कि जो मनुष्य निरंतर यज्ञ करता रहता है उसकी आत्म शुद्धि होती है, और आत्म शुद्धि के साथ साथ प्रकृति की शुद्धि के बारे में भी यहाँ वर्णन किया गया है। चौथा हमारा जो टॉपिक है वो है संसार चक्र की प्रवृत्ति में करण की कारणता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आप माया मोह से रहित हो जाइए, क्योंकि आप भीष्म पितामह पे जो बाण चलाएंगे या आप उसको मान लो थोड़ी देर के लिए सोचते मार भी देते हैं, तो आप उसको मार करके भी नहीं मार सकते। आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसको कोई मार करके भी नहीं मार सकता, क्योंकि ये जो कारण रूपी शरीर है ये कभी मरता नहीं है। और दूसरा, संसार रूपी चक्र प्रवृत्ति यहाँ बात की गई है कि आत्मा को कौन मार सकता है। आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसलिए संसार का चक्र है। मनुष्य, जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, और जिस व्यक्ति का मरण हो गया अर्थात जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, ये संसार का चक्र है, जो पैदा हुआ है उसका अंत होना है, और जिसका अंत हो गया उसका पुनर्जन्म होना है। इसलिए आप इस चिंता से दूर हो जाइए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। लास्ट का पांचवा टॉपिक है, सबको इच्छा अनुसार कर्म करने देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से ये उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं मित्र भाव से आपको समझा रहा हूँ, मैं आपका सखा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप माया मोह को त्याग करके अपने आत्मा रूपी जो इच्छा है उसको प्रकट कीजिए, और अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण जी मनुष्यों को, प्राणियों को अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने की का महत्व प्रतिपादन करते हैं। आगे चलते हैं, छठा टॉपिक है हमारा, योग में स्थित होकर कर्म करना। देखिए अभी हमने योग की चर्चा की थी, योग क्या होता है अभी हमने आपको बताया था कि इंद्रियों को वश में करके अपनी आत्मा में लीन हो जाना या आत्मा के द्वारा देखना, आत्मा के द्वारा ग्रहण करना ही योग कहलाता है। यानी सभी इंद्रियों को एक जगह स्थित कर देना, आत्म तत्व। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह व्यक्ति हमेशा आत्मचिंतन करता है, और आत्मा के द्वारा किया गया चिंतन या किया गया कर्म कभी भी व्यर्थ या बेकार नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने की प्रेरणा सभी प्राणियों को देते
हैं। तो ये था अपना गीता के द्वितीय अध्याय के अनुसार कर्मयोग। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।